द एग्जाम्पल तो उसमें एग्जाम्पल है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फोर्टी परसेंट ऑफ पीपल बिलो थर्टी एट इज अन नडेस्ड अब यहाँ पर लिखा है मोस्ट ऑफ द स्टेट फोर्टी परसेंट ऑफ पीपल सो बात करिए लोगों की फोर्टी परसेंट ऑफ पीपल क्या है ये यह प्लूर अकाउंटेबल होना तो आर अनस्ड होगा उस फोर्टी परसेंट के बाद इसके बाद जो लिखा हो उस पर डिपेंड करता है कि वर्क कैसे आएगी तो यहाँ पे आर होगा उस पीपल क्या है प्लूरल तो यहाँ पे आएगा आर जैसे नाइन टेंथ ऑफ द पिलर हैव नाइन टेंथ ऑफ़ द पिलर अब नाइन टेंथ के बात क्या है सिंगुलर ये क्या है सिंगुलर नाउन तो यहाँ पे पेज रोटेड अवे तो उसमें ऑनली वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम टू देर एग्जामिनेशन एट सेंटर एंड डज नॉट अगरवेल अगरवेल सो ऑनली वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट हैज़ नहीं होगा हैव होगा इसमें मोस्ट ऑफ द न्यूज़ परटेनिंग टू द स्कैम एंड मेजरमेंट ड्यूरिंग द प्रपरेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ के हैव शोन ओनली द ऑन दिस चैनल अब मोस्ट ऑफ द न्यूज़ के लिए क्या यूज़ किया है हैव हैव क्योंकि पीछे से देखो कहाँ हाँ वर बार, बार है तो वर भी है सब्जेक्ट ये है मोस्ट ऑफ द न्यूज क्या अनकाउंटेबल नाउन तो क्या आएगा हैज़ आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर है वर्वा हैजेगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल्क हैवी न्यूज़ फॉर मेकिंग चीज़ एंड रेस्ट अब ये मिल्क क्या है मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो हैज़ होगा ये अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन तो, के साथ क्या आता है सिंगुलर वर्ड हैज़ सो मोस्ट ऑफ द मनी ए लोकेटेड फॉर द ब्यूटिफिकेशन दिल्ली फॉर द कॉमन वेल्थ गेफ हैव नॉट बीन यूज पॉल पॉपुलर अब मोस्ट ऑफ द मनी और मोस्ट ऑफ द मनी वर्व ये है मनी क्या अनकाउंटेबल लाउन तो यहाँ पे हैज आएगा हैज़ अनकाउंटेबल लाउन के साथ आते सिंगुलर वर्व सो ना फिफ्टी परसेंट ऑफ दिनफॉर्मेशन यू गे हैव गिविन मी आर फॉल्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट सो अब यहाँ पर क्या लिखा है फिफ्टी परसेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव तो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है अब गिविन मी आर फॉल्स इसकी वर्व क्या ये ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है तो इसकी सब्जेक्ट क्या है इन्फॉर्मेशन मतलब अनकाउंटेबल नाउन तो सिंग ये आएगी इज ये तो यू की वर्ब है तो ये तो सही है तो मोस्ट ऑफ दू पर इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन मी इज फॉल्स होगा नाउ टू थर्ड ऑफ पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड द रेस्ट आर हेल्पलेस अमंग दम सो यहाँ पर टू थर्ड नहीं टू थर्ड्स होता है जैसे हम लिखते हैं ना जैसे वन बॉय फिर टू बॉयज लिखते हैं तो वैसे ही टू थर्ड मतलब वन से ज़्यादा तो यहाँ पे टू थर्ड्स होगा ना कि टू थर्ड टू थर्ड ऑफ द पॉलिटिशियन आर कर